एक कहानी है 8 अक्टूबर साल 2007 की, जिस दिन सचिन और धोनी ने मिलकर कंगारुओं का घमंड तोड़ा था। उस दिन धोनी और सचिन के प्रहार से पूरा चंडीगढ़ का स्टेडियम हिल रहा था। आज धोनी का तो कोई जवाब ही नहीं था। पहले अपने बल्लेबाजी से धोनी ने कंगारुओं को जमकर धोया, फिर अपनी खतरनाक स्टंपिंग से कंगारुओं को कंगाल कर दिया और पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। अब इस मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने मैदान पर आती है। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मैच होने वाला था। कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी की कमान ब्रेटली के हाथों में होती है और ब्रेटली के पहले ही ओवर में गांगुली ने एक चौका मार अपना और टीम का खाता खोला। परंतु आज कंगारुओं की लहराती गेंद भगवान के सोच से परे आ रही थी। कंगारुओं का कहर पहले ओवर से ही जारी हो गया और ऐसी विपरीत हालात में उनकी आग उगलती गेंद का सामना करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर महज 13 रन ही होता है। अब वक्त था इस सूखे पर रन बरसाने का और गांगुली ने ब्रेकन की 6ठे ओवर में 2 बेहद ही शानदार चौके मारे। लेकिन क्रिकेट का भगवान अभी भी एक एक रन के लिए तरस रहा था। ब्रेटली लगातार अपने खतरनाक बाउंसर से भगवान की परीक्षा ले रहा था, लेकिन सौरभ का साहस टीम का सहारा बना हुआ था। अब पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका था। स्कोर महज 35 रन ही होता है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि एक ही विकेट नहीं गिरा था। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ ऐसी धीमी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद सौरभ गांगुली ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर चाहे ब्रेकन हो या ब्रेटली की रफ्तार हो या जॉनसन की लहराती गेंद, सबकी नाक में दम करके रखा था। जिस मैदान पर एक एक रन बनाना मुश्किल लग रहा था, उसी मैदान पर रनों की नदियां बह रही थी, क्योंकि अब सचिन ने भी अपना हाथ खोलकर होप्स की आशा को निराशा कर दिया और एक बेहतरीन चौका लगाया। उधर सौरभ गांगुली तो अपने धुन में शॉट लगाए जा रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंच ही रहा था कि तभी सौरभ गांगुली होप्स की गेंद पर आउट हो गए। सौरभ गांगुली ने 41 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिया। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। स्कोर 91 रनों पर 1 विकेट होता है। गांगुली की जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, साथ में स्कोर को भी 100 के पार पहुंचाया। अब तक सचिन का बल्ला बेहद ही खामोश था और युवराज सिंह अभी अभी मैदान पर आए थे। ऐसे में सारी जिम्मेवारी सचिन के कंधे पर होती है और सचिन ने एक बेहतरीन चौका लगाया। अब कंगारुओं ने युवराज सिंह को स्पिन गेंदबाजी में फंसाना चाहा, परंतु सिक्सर किंग अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे रहे थे। सिक्सर किंग चौके की बरसात कर रहे थे और 31वें ओवर में 2 शानदार चौके मार अपने बीच और शतकीय सरदारी भी बना लिया। इसके तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। इसके लिए सचिन ने 91 गेंदों का सामना किया और जब जब उनको सामने देखते मानो अपनी शिकार की तरह झपट पड़ते। अब युवराज का इस मैच में एक तरफा राज चल रहा था, जहां चाहते वहां चौका लगाते। भारतीय टीम के लिए यह साझेदारी अच्छे नोट पर आगे बढ़ रही थी। यह जोड़ी पूरी तरह से भारतीय टीम को संभाल चुकी थी, परंतु अब भारतीय टीम को बड़े शॉट की दरकार थी। ऐसे समय में अब युवराज सिंह की पारी का अंत हो गया। युवराज ने 39 रन बनाए। अब कप्तान एमएस धोनी मैदान पर आते हैं। युवराज के जाने के बाद रन गति पर गहरा असर पड़ा और कंगारू एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में सक्षम रहे, लेकिन सचिन का प्रयास अभी भी जारी था और लगातार अपना बल्ला घुमाए जा रहे थे, बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। अब धोनी ने भी धोना प्रारंभ किया और 40वें ओवर में 2 चौके लगाकर स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब इस पारी का 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 202 रनों पर 2 विकेट होता है। यहां से धोनी सचिन ने अपना आक्रामक रूप अपना लिया। दोनों ने मिलकर कंगारुओं पर पलटवार कर दिया, परंतु अभी तक एक भी छक्का नहीं आ सका और 41वें ओवर में दोनों ने मिलकर 13 रन कूट दिए। जब एक बार फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी,
तभी सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए। सचिन ने 119 गेंदों पर 79 रनों की एक जुझारू पारी खेली। अब राहुल द्रविड़ ब्रेकेन की रफ्तार को दो चौके मार उनके अकर को तो जरूर तोड़ा, परंतु ब्रेकेन ने द्रविड़ को बोल्ड कर भारत की दीवार में सुराख कर दिया। इसके बाद अभी अभी आए रॉबिन उथप्पा ने एक चौका मार दिया। यहां से केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 250 रनों पर 4 विकेट होता है। इसके बाद धोनी का भौकाल देखने को मिला और उथप्पा तो हवा की उड़ान भर चुके थे। उथप्पा की मार कंगारुओं को डरा रहा था। भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे और ब्रेटली निराश हो चुके थे। भारत के लिए आखिरी ओवर बेहद ही शानदार रहा, क्योंकि इस ओवर में धोनी और उथप्पा ने मिलकर 21 रन कूट दिए। उथप्पा ने दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाया और धोनी ने पांचवी गेंद पर झनाटेदार चौका मार दिया। पहली पारी का आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पारी का पहला छक्का लगाकर पारी को समाप्त किया। साथ में MS धोनी ने इसी छक्के के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया और स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने संपूर्ण योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेकन ने सबसे ज्यादा 78 रन लुटाए। अब कंगारुओं को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 292 रन बनाना था। कंगारुओं की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पारी का आगाज करते हैं। यह जोड़ी उस दौर की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी थी और इसका परिचय पारी के शुरू में ही हेडन ने चौका लगाकर दिया। फिर गिलक्रिस्ट ने RP सिन को एक झनाटेदार छक्का लगाया, जिसे देख हर कोई उनकी शॉट की तारीफ कर रहा था। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो दूसरी तरफ हेडन गेंद को हवा में उड़ा रहे थे। शुरुआती 5 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 37 रन होता है, तभी MS धोनी ने अपना मास्टरमाइंड लगाया और RP सिन की गेंद पर जाहिर खान ने बाउंड्री पर कैच लपक गिलक्रिस्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैसे तो यहाँ पर कोई फील्डर नहीं रहता है, लेकिन यह फील्डिंग MS धोनी ने सजाई थी। अब ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की सदियों की प्रथा थी कि विकेट गिरे तो गिरे, रन ना रुके, और हेडन इस परंपरा को परंपरागत तरीके से चला रहे थे। जहां भारत ने पूरी पारी में एक छक्का लगाया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छक्कों की बरसात हो रही थी। अब कप्तान रिकी पोंटिंग ने RP को आड़े हाथ लिया और उनको 10वें ओवर में 3 छक्के मार इस ओवर से 16 रन निकाल लिए। अब 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रनों पर 1 विकेट होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, पर हेडन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो गेंदबाजों के साथ खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे थे। भरे मैदान में उनका मजाक बना रहे थे। अब इन दोनों की खतरनाक बैटिंग ने और शतकीय सहदारी भी कर लिया। सामने जहीर हो या पठान, पिटाई दोनों की समान हो रही थी। इनके पास उनका कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि वो दोनों खुद ही तोड़ रहे थे। इसी दौरान हेडन ने मात्र 39 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। मात्र 13 ओवरों में स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। यहां पर भारत का स्कोर महज 55 रन था। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 ओवरों में 190 रनों की दरकार थी। हेडन जिस तरह से प्रहार कर रहे थे, उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो यह मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। भारत की तरफ से अभी तक हर गेंदबाज नाकाम रहा। तब MS धोनी ने अपना दिमाग लगाया और पोंटिंग को इरफान की गेंद पर स्टंपिंग कर दिया, क्योंकि एक तेज गेंदबाजी के खिलाफ स्टंपिंग करना बहुत ही बड़ी बात होती है। जब विकेटों का सूखा पड़ा था तो धोनी ने विकेट ले लिया। इस विकेट का पूरा श्रेय MS धोनी को झोली में जाता है। इसके बाद माइकल क्लार्क मैदान पर आते हैं। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 124 रन होता है। क्लार्क आते ही अपना क्लास दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु हरभजन ने उनको अपने गेंद पर फंसा लिया और क्लार्क को कटन बोल्ड कर दिया। क्लार्क ने मात्र 6 रन बनाए और पवेलियन वापस चल दिए। अब क्रिकेट का एक और महामानव साइमंस मैदान पर आती है। यहाँ रिक्वायर रन रेट करेंट रन रेट से नीचे जा चुका था। यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई टीम सिंगल सिंगल भी खेलती तो भी यह मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका और दस्तक फैलाने की जरूरत होती है। इसलिए साइमंड
अपने खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मैच को जल्द से जल्द खत्म करने का मन बना लेते हैं। उधर हेडन तो आज किसी का करियर खाने के इरादे से मैदान पर आए थे। भारतीय टीम पूरी तरह से निराश हो चुकी थी क्योंकि इन दोनों की जोड़ी भारत को हार की तरफ ले जा रही थी। अब भारतीय टीम को केवल एक विकेट की तलाश होती है मैच में वापसी करने के लिए। तभी मुरली कार्तिक ने हेडन को बाउंड्री पर कैच करवा कंगारुओं की कमर तोड़ दिया। मैथ्यू हेडन ने 92 रनों की एक शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को 97 गेंदों पर 102 रन बनाने थे। अब साइमंड ने चौका जर स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी साइमंड का प्रहार जारी रहता है और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना और शतक पूरा कर लिया। यहां अब 51 गेंदों में अब मात्र 61 रन बनाने थे। तभी हरभजन को हॉज ने एक चौका जर दिया। यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर जा चुका था। भारत को केवल एक विकेट की दरकार होती है और धोनी ने एक बार फिर से स्टंपिंग करके पूरे स्टेडियम में शोर मचा दिया। उसके बाद स्टंप के पीछे से जो कुछ किया वह हमेशा के लिए यादगार हो गया। हॉज 17 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब आधी ऑस्ट्रेलिया टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी जिसके वजह से कुछ ओवरों तक रन नहीं आ सका। लेकिन साइमंड्स के रहते भारतीय मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 47 ओवर भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि आरपी सिंह ने साइमंड्स को बोल्ड करके छठा झटका दे दिया। पूरे स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय फैंस इस विकेट के गिरने के बाद जश्न मना रहे थे। अब भारतीय टीम का खतरा टल चुका था। साइमंड्स निराश होकर पवेलियन जा रहे थे और अगले ही गेंद पर एक और रन आउट मिल गई। आरपी सिंह ने एक ओवर में इस मैच का रुख मोड़ दिया। अब 16 गेंदों पर 23 रन बनाने थे। अब लगातार कंगारुओं पर दबाव बढ़ता गया और आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार होती है। ऑस्ट्रेलिया टीम उस दौर की वह टीम थी जो आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं होती थी और ये देखने को भी मिला क्योंकि जाहिर की पहली गेंद पर चौका मार सबको हैरान कर दिया। यह मैच भारत की तरफ आ रहा था लेकिन फिर भी हार का डर सता रहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर खान ने शानदार गेंदबाजी करी और कुछ डॉट गेंदें फेंकी जिसकी वजह से ये गेंदों में 9 रन बनाने थे और आखिरी गेंद पर 1 रन ही आ सका जिसकी वजह से भारतीय टीम 8 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना किसी सपने से कम नहीं था। उस वक्त की भारतीय टीम दुनिया की एकलौती ऐसी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती थी। एमएस धोनी शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।